सो फाइनली गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे छोटी सी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद आप किसी भी रिंगटोन को डीजे में सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कोई भी अगर रिंगटोन हो या सॉन्ग हो वायरल होता है तो उसे हमें डीजे में कन्वर्ट करने के लिए यूट्यूब पर सर्च करना पड़ता है, तब हमें जाके डीजे में मिलता है। फिर उसके बाद हम कट करने के बाद क्या करते हैं, रिंगटोन सेट कर पाते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं करना होगा, एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप किसी भी रिंगटोन को डीजे में सेट कर सकते हो। यार कितना कमाल का है। अगर आपको रिंगटोन लगाना पसंद है तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, पूरा एंड तक कंटिन्यू देखते रहना और एक छोटा सा काम भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। और नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है, डीजे रिंगटोन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से डाउनलोड करने के बाद जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो थोड़ा सा वेट कर लेना, वेट करने के बाद यहां पे ऐड आएगा तो ऐड को क्या करना है, हमें कट कर देना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ऐड को क्या करते हैं यहां से कट कर देते हैं। कट करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो आपको क्या होता है, यहां पे सारे के सारे यहां पे आपको मिल जाते हैं रिंगटोन, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो। और ये सब सारे के सारे जो है डीजे, यहां पे आप देख सकते हो नीचे डीजे डीजे सारे के सारे जो रिंगटोन है डीजे में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आपको डीजे म्यूजिक, डीजे कीव, डीजे हिट्स और यहां पे देख सकते हो डीजे एको, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जो आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ऐड आएगा तो क्या करना है, सिंपली ऐड को कट कर देना है। फ्री के एप्लीकेशन में हमें ऐड देखने को मिलता है, आपको भी पता है। तो क्या करते हैं, ऐड को कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नोटिफिकेशन का और यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट और यहाँ पे आपको मिल जाता है जैसे कि अलार्म का। तो आपको कहाँ पे सेट करना है रिंगटोन, तो हम क्या करेंगे सिंपली रिंगटोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे अलाउ करके परमिशन दे देते हैं, यस करके परमिशन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप परमिशन दे दोगे उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद क्या करना है, परमिशन दे देना है, फिर बैक कर लेना है। बैक करने के बाद परमिशन दे चुके हो आप, फिर ऐड आएगा तो ऐड को क्या करना है, सिंपली यहाँ से कट कर देना है। तो हम वेट करते हैं और ऐड को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे रिंगटोन सक्सेसफुल हो चुका। अब आपको कोई भी रिंगटोन पसंद आए ना आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ से आपको क्या, अगर वॉलपेपर पसंद आता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वॉलपेपर भी अपने एंड्रॉइड फोन में सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कितना कमाल कमाल का आपको वॉलपेपर भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो कोई भी आप यहाँ पे वॉलपेपर अगर सेट करना चाहो तो जैसे कि ये वाला आपको सेट करना है, तो यहाँ पे आप कोई भी सेट करना चाहो तो यहाँ पे मैं ये वाला, तो इसे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड आएगा तो ऐड को कट कर देना है। ऐड को कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या करना है आप लोगों, यहाँ पे कट कर दिया ऐड को। कट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वॉलपेपर, वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वॉलपेपर पे क्लिक करोगे ना उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देख सकते हो। यानी कि आप रिंगटोन भी सेट कर सकते हो प्लस यहाँ से वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को छोटी सी एप्लीकेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।